शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के बारे में 5 प्रमुख बातें बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। टीवी पर स्टार पत्रकारों को बोलते हुए सुनना किसे नहीं अच्छा लगता है। कुछ लोग तो उनके इतने दीवाने होते हैं कि वे अपने स्टार पत्रकार की जरा सी भी शिकायत नहीं सुनना चाहते, वे उनके लिए किसी से भी बहस कर जाते हैं। दरअसल ये पत्रकार सिर्फ मीडिया कर्मी नहीं होते बल्कि कई युवाओं के लिए प्रेरणा भी होते हैं। चैनल पर रोज लोग इनकी तेज तर्रार पत्रकारिता को देखते हैं। अपने इसी अंदाज की बदौलत ये स्टार पत्रकार देश दुनिया में मशहूर हैं। इन्हीं पत्रकारों में रवीश कुमार भी शामिल हैं। ये अपनी मेहनत के बल पर रामनाथ गोयनका अवार्ड से लेकर रमन मैग्सेसे पुरस्कार तक अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको रवीश कुमार के बारे में उन 5 प्रमुख बातों को बताएंगे जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। पत्रकारिता जगत में आज रवीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हिंदी न्यूज चैनल NDTV इंडिया के सबसे पॉपुलर फेस है। वर्तमान में ये NDTV में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। देश के ज्वलंत मुद्दों को जिस ईमानदारी और निडरता से ये अपने न्यूज में उठाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, शायद ही ऐसा कोई और पत्रकार कर पाता है। इनकी ईमानदारी और बेबाकी से बोलने की शैली ने लोगों को इनका कायल बना रखा है। इनका किसी से भी नहीं डरने के जज्बे के आगे बड़े बड़े नेता, सरकार या प्रशासन भाग खड़े होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये बिहार के रहने वाले हैं। इनका जन्म पूर्वी चंपारण जिले के चितवारपुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। इन्होंने पटना के लॉयला हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से MPhil किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC से जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ये सवाल भी लोगों के मन में कौंधता होगा कि इनका शुरुआती करियर कैसा रहा, कब से इनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। दरअसल रवीश कुमार का पत्रकारिता से शुरू से ही काफी लगाव रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ही इन्होंने मीडिया में जाने का पूरी तरह से मन बना लिया। जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा में एडमिशन लेकर इन्होंने अपनी इच्छा पर मुहर लगा दी। IIMC से जर्नलिज्म की डिग्री लेने के बाद रवीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में की। NDTV से ही इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और आज भी इसमें वे बने हुए हैं। शुरुआत में ये दर्शकों की चिट्ठियां छांटा करते थे, धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अब तो देश की राजनीति से जुड़ी खबरों को होस्ट भी करते हैं। ये वर्षों से प्राइम टाइम में भी आ रहे हैं। हम लोग और रवीश की रिपोर्ट सहित कई पॉपुलर प्रोग्राम की मेजबानी भी करते रहे हैं। इनके सभी कार्यक्रम में लाखों करोड़ों व्यूवर्स जुटते हैं। दरअसल रवीश कुमार बिल्कुल लोकल अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी भाषा शैली इनकी रिपोर्टिंग को बाकी पत्रकारों से अलग बनाती है। ये अपने कार्यक्रमों में बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सामाजिक मुद्दों को काफी बारीकी और गंभीरता से उठाते हैं। इन्हीं सब खूबियों की वजह से लोग इनसे सीधे कनेक्टेड होते हैं और आज ये जर्नलिज्म के टॉप मुकाम पर हैं। पत्रकार रवीश कुमार गांव से ज्यादा जुड़े रहे। उनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे कांग्रेस के सक्रिय राजनेता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि एक स्कैंडल में उनका नाम सामने आने के बाद ब्रजेश पांडे को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। रवीश कुमार ने नैना दास गुप्ता से शादी की है। जहां रवीश कुमार बिहार के रहने वाले हैं, वहीं नैना दास गुप्ता बंगाल से ताल्लुक रखती है। नैना दास गुप्ता से रवीश कुमार ने प्रेम विवाह किया है। दोनों की मुलाकात दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हुई। तब रवीश दिल्ली में देशबंधु कॉलेज से BA कर रहे थे और उस समय नैना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से BA कर रही थी। बाद में नैना ने JNU से MA किया। रवीश और नैना जब पहली बार मिले तो अच्छे दोस्त बने। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, मुलाकातें प्यार में बदली और बात शादी तक पहुंची। हालांकि तमाम आम परिवारों की तरह ही रवीश और नैना के घर वालों को भी इस इंटरकास्ट मैरिज से आपत्ति थी। हालांकि समय के साथ चीजें सुधरने लगी। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रवीश कुमार और नैना ने शादी रचा ली।
नैना दास गुप्ता वर्तमान में दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। रवीश कुमार और नैना दास गुप्ता की दो बेटियां हैं। रवीश परिवार के साथ दिल्ली NCR में ही रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रवीश कुमार ने अपनी पत्नी नैना की काफी प्रशंसा की थी। तब उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता के लिए किसी न किसी का हाथ होता है, उसी तरह उनके जीवन में उनकी पत्नी नैना दास गुप्ता उनकी प्रेरणा है। रवीश कुमार केवल टीवी न्यूज चैनल पर ही नंबर वन नहीं है, ये सोशल मीडिया पर भी नंबर वन है। ये फेसबुक, ट्विटर से लेकर ब्लॉग तक पर छाए हुए रहते हैं। इनका कस्बा के नाम से बना ब्लॉग काफी पॉपुलर है, हालांकि अब ये फेसबुक और ट्विटर पर ज्यादा रहते हैं। खासकर फेसबुक पर तो इनके छोटे से लेकर बड़े पोस्ट खूब आते हैं। देश भर के अखबारों को ये खूब खंगालते हैं और फिर उसके कतरनों को फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, वो भी अपने विचारों के साथ। सरकार के कार्यों को खूब बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए ये जाने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लिखने बोलने में जरा सा भी नहीं झिझकते। इनका बिंदास अंदाज लोगों को काफी भाता है। अपने व्यूवर से कनेक्ट रहने के लिए उन्हें जवाब भी देते हैं। हर इंक्वायरी को काफी सलीके से समझाते हैं। इनबॉक्स में भी लोगों के टच में रहते हैं। दरअसल फेसबुक के इनबॉक्स को भी इन्होंने न्यूज रूम का ही नाम दे दिया है। ये लिखते भी हैं कि इनबॉक्स एक नया न्यूज रूम है जहां मैं हर मिनट होता हूं। वहां पर मैं लोगों को पढ़ता हुआ अपने संशोधनों और समय की सीमा के अफसोस को जूझता रहता। सवाल दिखाने भर का नहीं है, ये सवाल अब सुन्न हो चुके हैं। जनता कितने मुद्दों पर संवेदनशील रहे और आक्रोशित हो, दर्शक विस्थापित हो चुके हैं या उन्होंने अपने विस्थापन को विकास समझ लिया है। इस इनबॉक्स को आप पब्लिक के साथ मेरी एडिटोरियल मीटिंग समझिए। अब रवीश कुमार के इनकम और अचीवमेंट पर बात करते हैं। दरअसल रवीश कुमार केवल पॉपुलैरिटी में ही नहीं आगे हैं, ये इनकम और अचीवमेंट में भी आगे हैं। ये 1996 से NDTV के साथ जुड़े हुए हैं और बिना डरे निरल पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। प्रमोशन पर प्रमोशन ले रहे हैं। ट्रेनी से करियर शुरू करते हुए डेस्क पर आए, फिर रिपोर्टिंग में पहुंचे। आज ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर काबिज हैं। प्रमोशन के साथ ही इनकी इनकम भी बढ़ती चली गई। रवीश कुमार का एनुअल पैकेज अब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का हो गया है। इस दौरान उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इनमें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड, रामनाथ गोइंगा अवार्ड, कुलदीप नैयर अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा इन्होंने 5 किताबें भी लिखी है। इनमें इश्क में शहर होना, देखते रहिए रवीश पंती, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन और बोलना ही है, लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में आदि शामिल है। बोलना ही है किताब की कैच लाइन ही आपको झकझोर देगी। देखिए कि वे क्या लिखते हैं। डर वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी, लेकिन सच यही है कि काल्पनिक डर के तार भी वास्तविक डर से जुड़े होते हैं। बोलना सिर्फ साहस का काम नहीं है, आप जब बोलते हैं तो सबसे पहले खुद को चुनौती देते हैं। खुद से लड़े बिना कोई बोल नहीं सकता। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी रवीश कुमार अपनी जमीन, अपने गांव को नहीं भूले हैं। ये गांव की माटी से भी जुड़े हुए हैं। इनकी रिपोर्टिंग इनकी स्पीच से आप इसे महसूस कर सकते हैं। इनका निराला अंदाज इनकी पत्रकारिता से साफ झलकता है। इनकी स्पीच में माँ, बाबूजी, खेत खलिहान, नारायणी नदी, गोरैया पोखर आदि शब्दों का खूब इस्तेमाल मिलता है। यही सब इन्हें जमीन से जोड़े भी रखता है। ये कहते हैं, मुझे जो भी मिला सब दर्शकों से मिला और मुझे जो भी दिया वह NDTV ने दिया। जब मैं 1996 में पहली बार NDTV के दफ्तर आया था तब यह NASA का दफ्तर जैसा लगा। अजीब अजीब और बड़े बड़े कैमरे लगे थे। कंप्यूटर से लेकर ईमेल और प्रोडक्शन कंट्रोल रूम सब कुछ हमने यही पहली बार देखा था। जो मिला यही से मिला। उम्मीद है इन 5 पॉइंट्स में आप समझ पाए होंगे कि रवीश कुमार कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, धरती से लेकर आसमान तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।